अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की वीडियो में मैं बनाऊंगा एक सोशल मीडिया शू बैनर डिज़ाइन। तो अगर आप चाहते हैं कि इस तरह का बैनर खुद बना सकें तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और हर एक स्टेप को फॉलो कीजिएगा। तो चलें चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले आपने एक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन कर लेना है। उसकी आपने वेट्स रखनी है 80 और हाइट रखनी है 720 और रेजोल्यूशन 300 और 16 बिट और कलर RGB, ठीक है। और उसको हमने क्रिएट कर दिया, ठीक है। क्रिएट करने के बाद आपने यहाँ से इसको ओपन करना है, इस लेयर पे डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद हमने इस तरह सा ओपन हो जाएगा, ठीक है। ग्रेडियंट ओवर लेके आ जाना है। ग्रेडियंट ओवर लेके आने के बाद आपने यहाँ से ये वाला ग्रेडियंट लगा लेना है यहाँ से, ठीक है। तो इसका मैं आपको रिकॉर्ड दिखा देता हूँ, ये देख सकते हैं आप। यहाँ से वीडियो को पॉज करके देख लें इसका कलर कोड, ठीक है। और यहाँ से इसका भी कलर कोड, ये ठीक है, ये वाला कलर कोड, ठीक है। उसके बाद यहाँ से ओके कर देंगे और यहाँ से हम इसका ओपेसिटी 100% और ब्लेंड मोड नॉर्मल और यहाँ से स्काइल हम इसका रेडिकल और एंगल 90, स्केल 150, ठीक हो गया। इस तरह से हमने ओपन कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से बता सकता हूँ यहाँ से ओके कर देंगे। इसकी ओके करने के बाद हमने फिर नीचे जाना है, यहाँ से यहाँ पे हमने न्यू लेयर क्रिएट करनी है, ठीक है। न्यू लेयर क्रिएट करने के बाद हमने एक ब्रश लेना है और उसका कलर रखना है हमने यहाँ से वाइट, ठीक है। वाइट ब्रश लेने के बाद हमने इसका थोड़ा सा साइज़ को बड़ा कर लेता हूँ ब्रश के, सॉफ्ट ब्रश लेंगे। यहाँ से हल्का सा मैं ब्रश फेर दूँगा, ठीक है, इसे देख सकते हैं। और इसी में ओपेसिटी थोड़ी सी डाउन कर दूँगा, ठीक, यहाँ से ऐसे। इसके बाद मैं यहाँ पे एक शाइनिंग रे वाला इफेक्ट डालता हूँ, ठीक है। तो इसका ब्लेंड मोड है स्क्रीन, इसका ब्लेंड मोड स्क्रीन है, ठीक है। ओपेसिटी 100%, ठीक है, देख सकते हैं इस तरह से, ठीक है। उसके बाद मैं अपना एलिमेंट ले जाता हूँ शूज, जिसमें मैं पोस्टर बनाना है, ठीक है। तो उसको मैं कंट्रोल वी से पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक हो गया। पेस्ट करने के बाद मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ, ठीक है, ठीक है। वो यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ, और उसके बाद जो है यहाँ पे अपने नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ से अपने कलर लॉकअप्स में आना है। कलर लॉकअप्स में आके आपने एक कलर लॉकअप लगाना है ये वाला, ठीक है। जैसे मैं इसका कंट्रोल ऑल्ट प्रेस करके क्लिपिंग मास्क बना दूँ, ठीक है, जैसे ये बना हुआ है यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। क्लिपिंग मास्क बन गया और इसकी थोड़ी सी ओपेसिटी ज़रा मैं डाउन कर दूँगा, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। उसके बाद मैं सबको इन सब लेयर को सिलेक्ट कर लेता हूँ ऐसे, और यहाँ से एक ग्रुप बना देता हूँ, ठीक है। एक ग्रुप लेयर बन गई और इसका नाम मैं बैकग्राउंड रख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं शूज़ पे प्राइस टैग लगाना चाहता हूँ, तो वो भी मैंने पहले से बना के रखा हुआ है, तो मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ पे कंट्रोल वी से, ठीक है। इस तरह से ये हमारा प्राइस टैग आ गया। तो इस पर मैंने क्या क्या चीज़ें लगाई हैं, क्या क्या ये मैं आपको सब बताता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं तुम्हें इसको एडजस्ट कर लेता हूँ, मैंने प्राइस टैग लगाया था और उसको मैंने एडजस्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद मैंने इसमें क्या क्या ऐड किया है, एक मैंने टैक्स ऐड किया है, ये सारा इस तरह से मैंने टैक्स ऐड किया है 50% ऑफ इसे सेल का, ठीक है। तो उसके मैंने क्या क्या लगाया है, ये शेप लगाई है, ठीक है, इस तरह से। उसको मैंने यहाँ पे मास्क लगा, इसका मास्क करके यूज़ इफेक्ट से यहाँ से मैंने इसको रिमूव कर ली, ठीक है, देंगे, ठीक है, ताकि ऐसे तरीके नीचे है, ठीक है। और यहाँ से एक मैंने ये लगाया, ठीक है, बैकग्राउंड साइड लगाया, और उससे मैंने यहाँ से ग्रेडियंट ओवरले लगाया, उसका कलर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये कलर कोड है हम देख लें, और उसके बाद ये वाला कलर कोड है ये भी देख लें आप, और उसके बाद ये वाला कलर कोड इसको भी आप देख लें कलर कोड, ठीक है।
और इसकी हमने ओपेसिटी 100% रेडिकल स्ट्राइक और जो है एंगल 90 और स्केल 150 ठीक है। और उसके बाद हमने मैंने ड्रॉप शैडो लगाया, ड्रॉप शैडो ये देख सकते, ड्रॉप शैडो का कलर है जी ये वाला कोट ठीक है। और इसका ब्लेंड मोड मल्टीप्लाई ठीक है, कैपेसिटी 30% और एंगल 60 डिग्री और डिस्टेंस 10 और स्केल 15 और उसके बाद ओके ठीक है। ये हमने मैंने फैक्टर किए हैं इस पर प्राइस टैग ठीक है। उसके बाद मैं एक ऐड करूँगा टैक्स, ये टैक्स मैंने पहले से लिख के रखा हुआ था और उसको मैं यहाँ पे पेश कर लूँगा ठीक है, ये इस तरह से ठीक है। ये मेरा टैक्स आ गया, मैं इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ इस तरह से। मैंने अपने टैक्स को एडजस्ट कर लिया और उसके बाद मैंने क्या क्या इफेक्ट लगाया वो भी आपको दिखाता हूँ। यहाँ से मैंने इस पर एक लगाया स्ट्रोक ठीक है, इस तरह से ये स्ट्रोक लगाया 1% का और 50% ओपेसिटी है, ब्लेंड मोड नॉर्मल है और ग्रेडियंट पे लगाया मैंने और एंगल 90 है और स्केल है ठीक है। ग्रेडियंट मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रिकॉर्ड है इसका, यहाँ से आप इसका भी रिकॉर्ड देख लें और इसका भी ठीक है। ये ग्रेडियंट कोड, ग्रेडियंट का कलर कोड था और इसके बाद मैंने इसके ऊपर एक ड्रॉप शैडो लगाया, ड्रॉप शैडो इसका कलर ये वाला है और ब्लेंड मोड मल्टीप्लाई और ओपेसिटी 53% और डिस्टेंस 7 पिक्सल का और स्प्रेड हमने 10% किया और 21% हमने साइज का किया ठीक है। और इसको मैं ओके कर देता हूँ और इस वाले टेक्स्ट हमने क्या बताया मैं बताता हूँ, इस वाले टेक्स्ट हमने सिर्फ एक ड्रॉप शैडो बताया ठीक है। इसका भी कलर कोड देने और इसका ब्लेंड मोड मल्टीप्लाई, ओपेसिटी 25, एंगल 120, डिस्टेंस 3, स्प्रेड और ये बाकी सारा कुछ आप वीडियो को पॉज करके देख लें ठीक है। बस मैं ओके कर देता हूँ। उसके बाद मैं एक बैकग्राउंड में एक शेप सी लगाऊंगा तो ये टेक्स्ट दिखने में अच्छा लगे इसके नीचे ठीक है। जैसे देखो शूज से इसके नीचे मैं एक बैकग्राउंड वो बैकग्राउंड पे एक शेप लगाऊंगा ठीक है। तो मैंने कॉपी की इसमें पेस्ट कर लेता हूँ ठीक है, यहाँ से इस तरह से ये इस तरह से मैं इसमें टेस्ट कर लेता हूँ और इसको मैं नीचे लेंगे यहाँ से टेक्स्ट ठीक है। तो इसके ऊपर मैंने कौन कौन से फैक्ट फैक्ट लगाने और दिखाता हूँ आपको ठीक है। यहाँ से हमने लगाना है इनर ग्लो और उसका कलर ये वाला है ठीक है, ब्लेंड मोड स्क्रीन है और ओपेसिटी 5% और जो साइज है इसका 29% ठीक है। और उसके बाद ग्रेडियंट ओवरले, ग्रेडियंट ओवरले हिसाब से कोड देख लें, वाला कलर कोड इसका, इसका ये वाला कलर कोड है ये देख लें और इसको ओके कर देते हैं। और उसका ब्लेंड मोड नॉर्मल है और उसकी भी ओपेसिटी 97 है और रेडिकल इसका यहाँ से स्टाइल लगेंगे और एंगल 90 और स्केल 150 ठीक है। और उसके बाद एक ड्रॉप शैडो लगाएंगे, उसका कलर कोड आप देख लें यहाँ से इस तरह से और मल्टीप्लाई इसका ब्लेंड मोड और ओपेसिटी 53% और एंगल 120, बाकी आप देख लें वीडियो को पास करके बाकी चीज़ें आप देख सकते हैं ठीक है। इसको मैं ओके कर दूँगा ठीक है और इस पर यहाँ से ये देख सकते हैं क्या आप ये किस तरह देखने में अच्छा लग रहा है देखें ठीक है। इसके बाद मैं एक और टेक्स्ट ऐड करूँगा तो मैंने कॉपी किया उसको मैं पेस्ट कर देता हूँ ठीक है यहाँ से और यहाँ से इसको मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। फिर मैंने इसको एडजस्ट कर लिया ठीक है ऑर्डर लाओ ठीक है। ये देख सकते हैं इस तरह से मैं बैकग्राउंड शेप लगी है और यहाँ से टेक्स्ट ऐड किया ठीक है इस तरह से ठीक है। ये मैंने ऑर्डर नाओ का एक वो लगा थी ठीक है। उसके बाद हम कॉन्टैक्ट इनको डालेंगे, कॉन्टैक्ट अपना डालना हो या कुछ भी इस तरह कुछ डालना हो तो वो हम मैं डालूँगा। उसको मैंने कॉपी किया था जैसे मैं उसको पेस्ट करता हूँ बना को, ये देख सकते हैं कि मैंने इस तरह से टेक्स्ट ऐड किया और नीचे वेबसाइट का मैंने दे दिए वेबसाइट और दोस्त के लिए तो उसको भी मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। मैंने इस टेक्स्ट को भी ऐड कर लिया है कॉन्टैक्ट में, टेक्स्ट को भी मैंने ऐड कर दी। उसके बाद जो है ना मैं चीज़ ऐड करूँगा एलिमेंट, इसको थोड़ा सा अच्छा बनाने के लिए मैं इसमें एलिमेंट्स ऐड करूँ पेस्ट कर दिए ठीक है इस तरह से मैंने और इसको और यहाँ से मैं थोड़ा सा इनको और एडजस्ट कर लेता हूँ उनको इस वाले को मैं ज़रा और अब मैं इसमें एक लगाऊंगा एक एरो,
एरो, तो इसको मैं ज़रा थोड़ा सा नीचे ले जाऊँगा और यहाँ से इस तरह से इसको यहाँ से इनका सबका ग्रुप बना लेता हूँ। फोल्डर यहाँ से इस तरह से इसको क्लिक कर, ये इनका है एलिमेंट का ग्रुप बन चुका है और ग्रुप लेयर बन चुकी है। ठीक है, यहाँ उसके बाद मैंने जाना है यहाँ से इस वाले ऑप्शन में और यहाँ से हमें राइट क्लिक करना है और यहाँ पे अपने कस्टम शेप्स में आ जाना, या फिर आप यहाँ पे आएँ और ये एलिप्स टूल, ठीक है, इस टूल को सेलेक्ट कर लें और इससे हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लेना इस तरह से। ठीक है, और इसका कलर हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, या इस ये वाला या फिर ये वाला, ठीक है, ये वाला कलर ठीक रहेगा। इसको मैं थोड़ा सा इस तरह से कर लेता हूँ और यहाँ पे रख लेता हूँ। ठीक है, इस तरह से ऑल्ट प्रेस करके इसकी कॉपी लेते हैं और इसी को यहाँ पे भी रख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से लगा लेते हैं। उसके बाद हमने यहाँ से नीचे से यहाँ से इस पर रेफरेंस जाना है और इस पर कलर लॉकअप्स में जाना है। कलर लॉकअप्स में जाकर मैं एक कलर लॉकअप लगाएंगे हम इस पर, ये वाला, ठीक है, ये वाला लगा के हम इसको इसकी थोड़ी सी ओपेसिटी डाउन कर देंगे। ठीक है, इस तरह से ताकि देखने में अच्छा लगे। तो ये फाइनली हमारा डिज़ाइन बनके तैयार हो गया है। इस तरह से आप अपना शू पोस्टर डिज़ाइन कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।